हरियाणा में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत किसी से छुपी नहीं हुई है। आए दिन स्कूलों की बदतर हालत को लेकर खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन प्रदेश का शिक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। उसे इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कोई सरोकार नहीं रह गया कि किन परिस्थितियों में ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करते होंगे। खासकर गाँव के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नदारद है। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के ढोल तो जरूर पीटती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन स्कूलों में छात्र पढ़ने तो जरूर आते हैं, लेकिन पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाने के कारण बिना पढ़े ही घर वापस लौट जाते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा प्रिथला विधानसभा के गाँव नरावली का यह सरकारी स्कूल है, जहाँ पांचवी कक्षा तक के नैनीहाल यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल कम गंदे पानी का तालाब ज्यादा लगता है। स्कूल में महीने से जमा गंदा पानी अब ग्राउंड से निकलकर कमरों तक पहुंच गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे गंदे हालात में बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। वहीं अब गर्मी के मौसम के चलते ठहरे हुए इस गंदे पानी में मच्छर और कीड़े मकोड़े पैदा होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में घर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले छोटे बच्चे बीमारी अपने घर लेकर जा रहे हैं। फिलहाल अब देखना ही होगा कि स्कूल के हालात कब तक सुधरते हैं। आपका नाम? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, किस पोजीशन में स्कूल पे हैं आप? स्कूल की पोजीशन ज़्यादा ही ख़राब है, इसके लिए हमने पंचायत को लिख के दिया था पहले तो सरपंच को, उसके बाद सरपंच ने कोई समाधान नहीं किया यहाँ का, फिर हमने अपने अधिकारियों को बीओ को लिख के दिया, उनकी रिसीविंग नहीं हमारे पास, तो तब भी कोई समाधान नहीं हो पाया। और SDM के माम जो पहले SDM थे, इससे पहले आप बनाए आए हैं, तो उनके माँ उनके उनसे मीटिंग हुई थी, मैम के साथ हुई थी, दोनों ही थे हम, तो उन्होंने यही कहा था कि आपका 3 दिन में हम इसका समाधान करवा देंगे, तो आज तक तो कोई हुआ नहीं सर। उसके बाद भी हमने कई बार लेटर लिख लिए, कम से कम रिमाइंडर तो हम कम से कम 1.5 साल में हमारे 29 लेटर हो चुके होंगे इस मामले में। तो ये समस्या कितने दिनों से बरकरार है इसी तरह? 1.5 साल हो गया सर। तो अभी तक किसी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले में? 2017 में आए थे, न्यूज़ में नहीं थे हमारी, तो यहाँ आने के बाद अगस्त में हमने यहाँ ज्वाइन किया था, क्या था तब उस साइड में था, लास्ट में इधर उधर पानी, तब लाइट 2 घंटे मिलती थी इस गाँव को, अब लाइट बढ़ने की वजह से सारा दिन गाँव में चलते रहते हैं, फिर उस वजह से यहाँ सारा पानी भरा हुआ, कमरे सबकी हालत खराब होती है, ये इलेक्शन वाले हैं दोनों, ये कमरे इधर बुक है, जब ये तो फुल भरे पड़े तो गेट के सामने बताते हैं थोड़ी, इसको देखते हुए बच्चों की स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है। तो सरपंच ने भी इस मामले में अभी कोई संज्ञान नहीं दिया? नहीं, हमने लिखित में भी सरपंच को दिया था कि स्कूल का समाधान करवा दिया जाए, उन्होंने आगे फॉरवर्डिंग बनाई, लेकिन उसका कोई समाधान उसी मामले पर हमारी SDM साहब से मीटिंग हुई थी, BO मैम ने हमारे साथ गई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ।